कहते हैं, देखो ये बताओ ये तुम्हारा भाई अभी चौगा प्रसाद स्कूल क्यों नहीं आया? वो झगड़ी चलाने गया है। क्या झगड़ी चलाने गया है? ठीक है उसे आने दो, अभी मैं बात करता हूँ। देखो तुम्हारा नाम विजय है तो तुम्हारे नाम का थाने से वारंट आया है और तुम्हें दरोगा साहब ने इसी वक्त थाने बुलाया है। हमारे साथ में चलिए। विजय नहीं नाम है। हाँ विजय उनका नाम है। अभी तो कह रहे थे मेरा नाम विजय। सर सर मेरा नाम विजय। देखो बेटा विजय आपने काफी मेहनत से पढ़ाई की है और ये आपके नाम का पत्र आया हुआ है इसीलिए आपको बॉम्बे पुलिस ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। ओके सर। हमका बताया तुमका पुलिस वाले बोले तुम्हारे नाम वारंट है इनका पुलिस बना दिया कितना पड़ेगा यार ही हां ये बोले कितना पड़ेगा तो इनका पुलिस बना दिया तो तुम्हें यहां पर गुरुजी कहना भाई आप पढ़ा बहुत है ना तो बदतमीज के हिसाब इनका काहे पुलिस बना। जब तू इतना पढ़ाई लिखाई के बारे में जानता है तो पांच साल से तू एक ही क्लास में क्यों पढ़ रहा है? देखो ठीक है गंगा प्रसाद आज मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ इसीलिए आज मैं कॉलेज का तुम्हें मॉनिटर बनाता हूँ। ठीक है सभी बच्चों को कायदे से पढ़ा देना। गुरु जी मैं चलता हूँ ना मैं लेट हो जाऊँ। ठीक है जाइए। जब घंटा लग ही चुका है तो सभी बच्चों की छुट्टी हो गई। तुम सब जानी हम क्या चलो गंदन में मिलो लड़िया। हरे शंकर बाबा। हाँ चौधरी साहब मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि फैक्ट्री का काम बंद क्यों हो गया? सारे मजदूरों ने हड़ताल क्यों कर दिया है? चौधरी साहब एक रामू किसान है उसकी 4 एकड़ जमीन आपके खाते पर नहीं इसलिए फैक्ट्री बनना बंद हो चुका। और रामू किसान की 4 एकड़ जमीन न मिलने की वजह से फैक्ट्री का सारा काम बंद हो गया। हाँ चौधरी साहब। नहीं चौधरी को जो भी जमीन देने से इनकार करेगा मैं उसकी कब्र बना दूंगा। तो हमारे साथ रामू के घर चल देखता हूँ कि वो साला अपनी जमीन हमें कैसे नहीं देता है। आ? अभी तक हमारी बच्ची स्कूल से वापस नहीं आई है मैं उसका इंतजार करता हूँ। अरे आप और मुझ गरीब के घर अगर कोई काम था तो नौकरों से कहकर मुझे बुलवा लिया होता मारे। रामो कहते हैं जब किसी भी इंसान से किसी की जरूरत पड़ती है तो वो उससे मिलने के लिए खोज जाता है
अरे मालिक, आपकी जरूरत और मुझ गरीब से इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैं आपका मतलब को समझा नहीं मालिक। रामू, तुम्हारी 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है और जमीन ना मिलने की वजह से फैक्ट्री का सारा काम बंद हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जमीन हमारे वही खाते पर दर्ज करवा दो। उस जमीन के बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दूंगा। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे पास जमीन का सिर्फ वही एक टुकड़ा बचा है।